आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और कई लोगों का सवाल आ रहा था, खास करके महिला व्रतधारियों का, कि आने वाला जितिया जो पर्व है और वो कब है और उसका कब समय है और इस बार उसका क्या विधान है। तो आइए आपके प्रश्नों को उत्तर को लेकर हमारे बीच 27/9/2023 सुबह दीपक शास्त्री जी हमारे साथ कल्याणपुर सूर्य मंदिर से जुड़ रहे हैं। आइए उनसे हम लोग जानते हैं कि आपका दिन कैसा होगा और आने वाला जो जितिया पर्व है उसकी क्या विधि विधान है। बाबा बहुत बहुत प्रणाम आपको। आपको ही नाम समस्त श्रद्धालुओं को और दोस्ता दर्पण देखने वाले समस्त भक्तों को सूर्य नारायण प्रांगण से हार्दिक अभिनंदन और वंदन। जो इस बार जो जितिया पर्व है उसका क्या विधि विधान है और खास करके महिला व्रतधारियों को आप जानकारी दे दीजिए कि ये किस तारीख को और कब कब इसका मुहूर्त है। 6 अक्टूबर को जितिया बंधन पूजा है, जो कि पुत्र के लिए किया जाता है। हर माँ निर्जला होकर बे अन्न और जल को त्याग कर अपने पुत्र के चिंता करते हैं, पुत्र के कामना के लिए, पुत्र के मंगल कार्य के लिए व्रत किया जाता है जितिया व्रत जो है। और 6 तारीख को है, 6 अक्टूबर, और सूर्यनारायण मंदिर में विशेष लोग आते हैं उस दिन। हर माँ आती हैं अपने पुत्र के कामना से और नदी के तट पर पूजा पाठ जितिया व्रत करने का एक अलग ही फल प्राप्त होता है। 6 अक्टूबर को कब से कब ये शुरू हो रहा है और कब पारण बनेगा, पारण का मुहूर्त बता दीजिए लोगों को, इसी को लेकर के थोड़ा सा ये रहता है। जित बंधन पूजा जो है सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि तक रहेगा और सुबह में पारण आप 4 बजे भोर से लेकर और 9 बजे दिन तक करें। ऐसे तो बहुत सारी महिला हैं कि माताओं ने कि सूर्य उदय होने के बाद ही पारण करते हैं, कि मैं जानते कि 24 घंटा मेरा हो जाएगा। और नियमावली यही है, शास्त्रीय विधान भी है कि सूर्य उदय होने के बाद ही पारण करना चाहिए। हाँ, इसी बात को हम भी कहना चाह रहे थे कि कई सोशल मीडिया पर इस तरह का है कि 6:40 के बाद जो है पारण का मुहूर्त बन रहा है, तो उससे पहले अभी अगर लोग करें तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आज के समय में लोग जो है कई तरह की चीजों को दिख भ्रमित भी करते हैं लोग, बहुत लोग जैसे गूगल तो ये वो, पंचांग दो ही चलता है हमारे यहाँ भारत में। ऐसे तो पंचांग बहुत सारा है, ऋषिकेश और महावीर पंचांग। इस बार जो पंचांग कह रहे हैं वो जो पारण का मुहूर्त है वो सुबह सूर्य उदय हो गए अपना पारण कर लीजिए, उससे पहले भी कर लेंगे तो कोई दोष नहीं है। और ये योग भी अच्छा है और ऐसे व्रत को हर माँ करती हैं। और ये बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका विवाह के बाद अभी जो नए जिनको संतान प्राप्त हुआ तो लावण है तो ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लावण भी है तो अपने पुत्र के जिज्ञासा के लिए, पुत्र के कामना के लिए व्रत कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई शास्त्रीय काट नहीं है, आप करें व्रत कर सकते हैं। व्रत करना अच्छा है और हर व्यक्ति हर माँ ये व्रत को नियमावली पूर्वक करें और करने के बाद भगवान भास्कर से यही हम कामना करते हैं कि उनके समस्त कामनाओं को पूर्ण करें भगवान। और विशेष उस दिन तो यहाँ सब जानते हैं कि काफ़ी मात्रा में माता लोग आकर यहाँ पूजा में पाठ कर जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा मेरे साथ जुड़ने के लिए।